Assalamualaikum. Hello students. How are you? धोरण आठ विषय कम्प्यूटर. क्यों पाठ चाली रो आप पाठ त्रण अल्गोरिधमनी रचना. बराबर अल्गोरिधमनी रचना में आप अगाउना विडियो में शू जो गया चार जुदा जुदा उदाहरण आप फ्लोचार्टना उदाहरण जो गया था. बराबर फ्लोचार्टना उदाहरण अने तेनी साथे अल्गोरिधम केवी रीते लखवानो ते आपणे जोई गया हता. बराबर हवे आजे आपणे बीजा केटलाक उदाहरण जोवाना छे. बराबर तो भणवानी शरूआत करता पहेला हूँ तमने फरी एक वार याद अपावी दऊं कि जो तमे अत्यार सुधी अमारी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करीने चेनल ने सब्सक्राइब करशो अने जो मारू वीडियो गमे तो लाइक करवानो भूलशो नहीं. चलो हवे आपणे बीजुं एक उदाहरण जोवानुं छे कि आपेली त्रण संख्यामांथी मोटी संख्या शोधवा. कयो फ्लोचार्ट दोरवानो छे कि त्रण संख्या आपेली होय एमांथी आपणे मोटी संख्या शोधवानी छे. तो जो एनो अल्गोरिधम तमने अहीं आपेलो छे. बराबर आ जे स्टेप वाइज लखेलू छे नंबर 1 2 3 एने आपणे अल्गोरिधम कहीए छीए. बराबर तो सौ प्रथम शुं आवशे एक्स वाई अने झेड त्रण संख्या लो एटले कि आपणे त्रण वेरिएबल लेवाना छे. कया कया एक्स वाई अने झेड. त्यारबाद एक्स वाई अने झेड ने सरखाव. मोटी संख्या शोधवानी छे एटले त्रणे त्रणनी कम्पेरिजन करवी पड़शे. बराबर एक्स वाई अने झेड सरखावो त्रणे संख्या सरखी छे. बराबर तो एनी चकासणी करवानी छे. त्रीजुं छे कि जो संख्या सरखी न होय तो एक्स अने वाई ने सरखावो. बराबर जो संख्या सरखी न होय तो कोने सरखावानुं छे एक्स अने वाईनी संख्याने. बराबर अने एना माटे कई कंडीशन मूकवानी छे जो अहीं चौथा नंबरमां बतावेलुं छे. जो एक्स ग्रेटर देन वाई होय तो एक्स अने झेड सरखाओ. जो एक्स अने वाईमांथी एक्स मोटू होय तो एक्सनी सरखामणी कोनी साथे करवानी छे झेड साथे. अने जो एक्स ग्रेटर देन झेड होय तो शुं प्रिंट करवानुं छे तो एक्स मोटी संख्या छे. बराबर नहीं तो झेड मोटी संख्या छे. अने जो नानी होय तो मोटी संख्या कई कहेवाशे झेड. पांचमुं स्टेप छे चौथा पगलामां एक्स लेस देन वाई तो वाई अने झेड सरखाओ. जो आपणे अहीं चकासणी करी जो वाईनी संख्या मोटी होय तो वाई अने झेडनी सरखामणी करवानी छे. बराबर तो वाई लेस देन वाई ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन झेड होय तो कई मोटी संख्या मळशे आपणने वाई मोटी संख्या मळशे नहीं तो झेड मोटी संख्या कहेवाशे. बराबर जो एम न होय तो झेड मोटी संख्या छे. बराबर चलो आपणे एनो अल्गोरिधम तो जोई लीधो हवे आपणे तेनो फ्लोचार्ट जोईए. तो चलो आ छे तेनो फ्लोचार्ट. फ्लोचार्टनी शरूआत हमेशा बींग लखेलू छे ने ऊपर बींग ओवल सिम्बलनो उपयोग करीने आपणे तेनी शरूआत करशुं. ત્યારબાદ ફ્લો લાઇન દેખાય છે અહીં તમને. ફ્લો લાઇન બાદ આપણે ત્રણ વેરિયેબલ ઇનપુટ કરાવવાના છે. કયા કયા? એક્સ વાય અને ઝેડ. તો ઇનપુટ ફર્સ્ટ નંબર એક્સ, ઇનપુટ સેકન્ડ નંબર વાય, ઇનપુટ થર્ડ નંબર ઝેડ. આ ક્યારે તેની કિંમત નાખશે? જ્યારે આપણો પ્રોગ્રામ રન થશે ત્યારે. બરાબર પહેલાંથી તેની કિંમત નક્કી કરવામાં આવી નથી. ત્યારબાદ અહીં કન્ડિશન ચેક થશે. કઈ કન્ડિશન ચેક થશે? સૌ પ્રથમ કમ્પેર એક્સ એન્ડ વાય. સૌ પ્રથમ આપણે એક્સ અને વાયને સરખાવશું. બરાબર જો એની કન્ડિશન થાય છે એના એની બાજુમાં બીજી બે કન્ડિશન પણ આપવામાં આવી છે. દેખાય છે? જો એક્સ લેસ ધેન વાય હોય તો શું કરવાની છે? કઈ ચકાસણી કરવાની છે? જો એક્સની સંખ્યા વાય કરતાં નાની હોય તો કઈ સરખામણી થશે? વાય ગ્રેટર ધેન ઝેડ. અને જો x ઇક્વલ ટુ y હોય, x અને y ની સંખ્યા સરખી હોય તો કઈ ચકાસણી થશે? x ઇક્વલ ટુ z. બરાબર અને જો x ઇક્વલ ટુ z હોય એટલે કે બંનેની સંખ્યા બરાબર હોય તો કયું પરિણામ મળશે? પ્રિન્ટ ઓલ આર ઇક્વલ. એટલે કે x અને y પણ સરખા છે, x અને z પણ સરખા છે એટલે શું પ્રિન્ટ કરશે? બધાની સંખ્યા શું છે? ઇક્વલ છે.
बराबर। अने जो एक्स अने वाई सरखा छे त्यारबाद एक्स अने झेड सरखा नथी तो कई चकासणी करशे जो एक्स ग्रेटर देन झेड। बराबर, खबर पड़ी तमने कई सरखामणी करशे एक्स ग्रेटर देन झेड। अने जो एक्स ग्रेटर देन झेड हशे तो शू प्रिंट करशे, एक्स नी संख्या मोटी हशे तो शू प्रिंट करशे, एक्स इज ग्रेटर। अने जो नानी हशे तो शू प्रिंट करशे, झेड नी झेड मोटी संख्या कहेवाशे एटले शू प्रिंट करशे, झेड इज ग्रेटर। समझ पड़ी अहीं तमने आ एक कंडीशन नी चकासणी अहीं थई गई, हजी आ बाकी छे। बराबर, जो आपणे पहेला अहीं एक्स अने वाई नी सरखामणी करी, बराबर, तो आपणने वाई नी संख्या मोटी मळी, एक्स करता वाई मोटी छे तो आपणे वाई नी चकासणी झेड साथे करीशुं। बराबर, तो वाई ग्रेटर देन झेड, जो नो हशे तो शू करशे, नानू हशे वाई नी संख्या तो प्रिंट झेड इज ग्रेटर। झेड नी संख्या नानी हशे, झेड नी संख्या मोटी हशे तो झेड इज ग्रेटर। अने जो वाई नी संख्या मोटी हशे झेड करता तो शू प्रिंट करशे, प्रिंट वाई इज ग्रेटर। समझ पड़ी तमने, जो अहीं त्रणे त्रणना परिणाम जुदा जुदा छे, देखाय छे। आ बधी प्रक्रियानी कंडीशननी चकासणी थई गया बाद आपणने आपणुं आउटपुट एटले के रिजल्ट मळी जशे, एटले आपणुं શું થશે, ફ્લોચાર્ટનો અંત થશે। જો આ ત્રણે ત્રણ પરિણામ અલગ અલગ છે, બરાબર, એ ત્રણે પરિણામ પછી પ્રક્રિયા એક જ થવાની છે। એટલે આ જો વન દેખાય છે, વન એ શું છે, વન એ શું છે, આપણું કનેક્ટર છે, દેખાય છે, આ વન લખેલું છે, એની ઉપર રાઉન્ડ કરેલું છે અને ફ્લો લાઇનની મદદથી એને જોઈન્ટ કરવામાં આવેલું છે, એ આપણું શું છે, કનેક્ટર છે। બરાબર, ત્યારબાદ આપણો ફ્લોચાર્ટનો અંત એટલે કે એન્ડ થશે। બરાબર, આપણું આ એક ઉદાહરણ અહીં પૂરું થાય છે। બીજું ઉદાહરણ આપણે આના પછીના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।